जैसा कि सोनू बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद है जो आपको नाम लिखाने के लिए आश्वासन दिए हैं, तो क्या अभी उनसे मदद आया है सोनू सूद है? जी, जब तक सरकार को प्रतिक्रिया नहीं देती है जब तक हम कुछ कर नहीं सकते। आपका क्या मानसा है, आप कहाँ नाम लिखाना चाहते हैं पहले ये बताइए। हम तो सिमुरतल्ला या तो सैनिक में एडमिशन कराना चाहते हैं। सिमुरतल्ला या सैनिक, इसके अलावा कोई स्कूल नहीं? और भी तो स्कूल है, उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? उस पर इसलिए नहीं कि प्राइवेट बाकी सब, लेकिन एक बात और पकड़िए, राज्य सरकार क्या बोल रही है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कि हम तुम्हारा एडमिशन नहीं करवा सकते, जबकि हम एंट्रेंस देने के लिए तैयार हैं, उनको एक पेपर नहीं मिल सकता है। और ये सुशील कुमार मोदी जी जो हैं उनको न वो कोई पद पर है, न वो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, न वो अभी उप मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं। जो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा एडमिशन नवोदय में हो जाएगा। ओके, अब बिहार सरकार को जमा के हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक राज्य सरकार का और एक केंद्र सरकार का। आप राज्य सरकार में करवाइए तो भी सही, केंद्र सरकार में करवाइए तो भी सही। अभी चिराग पासवान आए थे तो क्या आश्वासन दिए? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है तुम्हारा एडमिशन सुमुतल्ला में करवा देंगे। देखिए क्या होता है, वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सोनू भाई, मैं वाल्मीकि नगर से चल के आया हूँ और आपसे थोड़ा सा बात करूँगा, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा कड़वा सवाल करूँगा, कोई अनुमति है आपकी? आपको बिहार सरकार पे भरोसा है? भरोसा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर? भरोसा है, शिक्षा व्यवस्था तो अभी खत्म हो गया है। एक बात बताइए, आप सुनो आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, नाम करो, आपका सपना पूरा हो, लेकिन जब बीपीएससी का पेपर लीक हो जाएगा और आप खूब पढ़ लिख के एग्जाम देने जाओगे, उस वक्त बीपीएससी का पेपर लीक हो जाए, बड़ा बड़ा एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, मतलब उस वक्त मेहनत तुम्हारा बेकार हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तुम बोलोगे जी मेहनत तो बेकार हो ही जाएगा, लेकिन ये सब सरकार। मैं आपकी नहीं, आपको बात सही है बाबू, आप मेरे भाई देश के लिए, युवाओं के लिए एक सोनू आप हो, क्या ये सोनू पूरे देश के सोनू को, देश के सोनू के लिए विकास का काम नहीं करेगा, उनके लिए रास्ता नहीं बनाएगा? आप एक आइडल हो सारे देश के सोनू के लिए, आपको नहीं लगता है कि हाँ पूरे बिहार के लोग जितने भी सोनू हैं हमारे, आपकी उम्र के, आपसे छोटे या बड़े, उन सबके लिए एक बड़ी व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होप सब आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इन दिनों जो है मैं, आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि मैं सोनू का बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बनाया है, उनका कवरेज किया है और हर एक बात जानी है। तो कल यानी कि, तो आज यानी कि उनसे मिलने आए थे चिराग पासवान जी। तो क्या कहा चिराग पासवान जी ने, क्या क्या उनसे बात हुई है? आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए इन दिनों जब से वो वायरल हुआ है। सुशील मोदी जी आए, पप्पू यादव जी आए और बहुत सारे मंत्री और विधायक भी आए उनसे मिलने के लिए, और सभी ने आश्वासन दिया कि उनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। सोनू सबसे गुहार लगा रहा है कि मेरा एडमिशन करवा दो, मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में करवा दो, सिमुतल्ला में करवा दो, लेकिन कहीं एडमिशन उनका अभी तक नहीं हुआ। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आए हुए थे जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था, लेकिन अभी तक उन्होंने बस आश्वासन दिया है कि उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा सैनिक स्कूल में और नवोदया में और सिमुतल्ला में, जिसमें उसका सिलेक्शन टैलेंट के आधार पर हो जाएगा और उसमें उनका एडमिशन हो जाएगा। आप लोगों से बस ये कहना है कि क्या सरकार उनकी बात सुनेगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वायरल है पूरे देश में, अब तो विदेशों में भी वो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है, शिक्षा एक हमेशा से सवालों के घेरों में रही है, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने वीडियो में आपको जो भी दिखाया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देखे जाके मेरा वीडियो, उसमें आपको सारा जो है क्लियर हो जाएगा कि सोनू ने क्या बोला और भी सरकारों और भी मंत्री और विधायकों ने क्या बात की और सोनू ने खुद क्या बोला है। और देखिए नीतीश कुमार जी से वो फिर से मिलना चाहता है और वो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है, जैसे कि उस दिन सोनू ने मुझे बताया कि वो अब एक है कि प्रधानमंत्री जी से वो मिलना चाहता है। तो शिक्षा जो है
जो सोनू एक छोटा सा बच्चा है 11 साल का, शिक्षा को लेकर उसने जो बात कही है बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कह दी है उसने कि सरकारी हमारे बिहार में गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं होती है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अगर हैं भी तो उनके पास नॉलेज नहीं है, उस आधार पर पता नहीं ये जो टीचर्स और शिक्षा है इस पर पता नहीं कब तक सरकार इसको सुधारेगी। आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपको जो है बेल आइकन ज़रूर दबा लें और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और देखिए क्या क्या होता है आगे, सरकार क्या करती है, उनकी बात सुनती है नहीं सुनती है। जाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा वायरल है, सब उनकी बात सुननी चाहिए। ये बात सही है कि शिक्षा और एक बात ये है कि आज एक सोनू ने आवाज़ उठाई है, अगर सोनू का एडमिशन हो जाता है तो बिहार में न जाने कितने लाखों करोड़ों सोनू हैं जिनको अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन होना ज़रूरी है, जिनका भी अधिकार है कि शिक्षा उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए। और उन पे क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।